एक करोड़ बीस लाख साल पुराने केकड़े को चट्टान से कैसे निकालेंगे? बहुत ही सावधानी से। क्राफ्टर एक छेनी की मदद से चट्टान का ऊपरी हिस्सा तराश रहे हैं। फिर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए वो विशाल एयर स्क्राइब की मदद ले रहे हैं। ये काफी लंबा और मेहनत भरा काम है। प्रोजेक्ट की अलग अलग स्थितियों के दौरान ये कई तरह के एयर स्क्राइब औजारों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही ये केकड़े के और करीब गए, इन्होंने मध्यम श्रेणी से स्क्राइब का काम करना शुरू कर दिया। आराम से, धीरे धीरे, हम नहीं चाहते कि केकड़े को कोई भी नुकसान हो। विशाल केकड़े को धीरे धीरे बाहर आते देखना काफी दिलचस्प है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि क्राफ्टर को पता कैसे चला कि इस चट्टान के अंदर एक शाही जीव के अवशेष छिपे हुए हैं। और नहीं, ये काम ऐसा नहीं जो एक दिन में खत्म हो जाए। हमारे एक्सपर्ट को ही इस काम के लिए 208 घंटे लगे थे। तो लाखों सालों से ये महाशय एक फॉसिल के अंदर बंद पड़े थे। और वो पल आ गया जिसका हमें इंतजार था। वाह, क्या सफर था।